ओके तो आज का पूरा दिन डीजो ने दिमाग खराब कर दिया। तो एक Q&A है जो मैक्सिमम कमेंट्स आए हुए थे उससे रिलेटेड कि अभी भी, क्योंकि ये सेल अभी भी लाइव है तो अभी भी कोई ये वीडियो देखता है तो उसके और भी जो सवाल जो बाकी लोगों ने पूछे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप अभी भी अगर डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो अभी भी डिसीजन लेने के लिए टाइम है क्योंकि सेल अभी चल रही है। और ये देखो, ये डीजो वायरलेस का बॉक्स है, वायरलेस पावर का नहीं, ठीक है। ये अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ करेंटली, अभी चार्ज में लगा है, कंपैरिजन के लिए तो रखना ही पड़ेगा। खैर, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया और मेरी डिलीवरी 3 डेज में आ रही है। बहुत सारी बातें करेंगे, ऑफ़र के ऊपर भी बात करेंगे कि मैंने जो वीडियो डाली थी ऑफ़र वाली उसके ऊपर है कि ऑफ़र समझाओ। तो वैसे तो ऑफ़र बहुत सिंपल है तो उसको लास्ट में समझेंगे, पहले सेल का देखते हैं और जो सवाल हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सीधा सीधा क्वेश्चन ये था कि डीजो वायरलेस और डीजो वायरलेस पावर में कौन सा बेटर है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो सब कुछ सिमिलर है, बैटरी लाइफ इंक्रीज्ड है, ब्लूटूथ का वर्जन बेटर है। तो मतलब सेंस ही नहीं बनता है कि आप अब डीजो वायरलेस के साथ जाओ, खासकर कि ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो इसमें 1 घंटे की बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी और ब्लूटूथ बेटर मिलेगा और पैटर्न मिलेगा, जो बैटरी का ये वाला जो हिस्सा होता है ना जिसमें बैटरी वगैरह स्टोर होते हैं और कंट्रोल्स होते हैं उसमें चेक 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 टाइप का हल्का सा पैटर्न। और सेल अभी भी लाइव है, मैं क्लिक करके दिखा दूँ कि ये अभी तक अवेलेबल है, ठीक है। अगर अभी तो क्लिक करोगे तो अभी तक बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अभी तक बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है और अभी तक बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने देखा कि तीनों कलर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि डीजो वायरलेस और बाकी नेक बैंड्स का आपने नाम लिया है, मतलब डीजो वायरलेस पावर और बाकी की वर्सेस ये वर्सेस वो। तो देखो, अगर आपके पास जब तक ये टाइम है इसको 999 पे लेने का, आपको कॉस्ट समझनी है ना, कॉस्ट टू परफॉर्मेंस होता है, रेशियो वगैरह, खैर वो सब छोड़ दो, सिंपल समझो, वैल्यू फॉर मनी एक टर्म होता है, वैल्यू फॉर मनी। जैसे अगर आप आईफोन लेते हो 1 लाख का और उसको 5 साल यूज़ करते हो तो पर ईयर आपका वो 20,000 पड़ा, समझ रहे हो, क्योंकि 20,000 × 5 ईयर्स इज इक्वल टू 1 लाख। और अगर आप वही 25,000 का फ़ोन लेते हो लेकिन उसको 1 साल में चेंज कर देते हो तो 1 साल का आपको 25,000 रुपये पड़ गया, यानी आईफोन से महंगा पड़ गया आपको। वैल्यू फॉर मनी की मैं बात कर रहा हूँ, उस सेंस में देखा जाए तो ये जो अभी 999 पे वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, अगर आप बजट में ही सोच रहे थे मतलब 1200 1500, आपको क्या ही फीचर चाहिए होंगे, अच्छे साउंड जो कि इसमें है ही, जब डीजो वायरलेस में था तो ये उसके वेरिएंट में होगा ही, टाइप सी चार्जिंग, मैग्नेटिक ऑन ऑफ, मैग्नेटिक ऑन ऑफ देख रहे हो कितना, मतलब फीचर हो गया। 1500 से ऊपर जो भी होते हैं वो मैग्नेटिक ऑन ऑफ को बार बार फीचर करके बताते हैं, ये भी बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद ऐप सपोर्ट, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जो ईयरबड्स के लिए ऐप सपोर्ट लाते हैं लेकिन नेक बैंड के लिए नहीं लाते, डीजो में रियलमी थैंक्स टू रियलमी ऐप सपोर्ट भी है, तो आप रियलमी लिंक ऐप से बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो और 3 प्रीसेट मोड्स में चेंज वगैरह कर सकते हो, साउंड वगैरह, बैटरी लाइफ देख सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं कि जो डिलीवरी आपको डेट दिखेगी वो लेट दिख रही है, ये अभी हाल में ये क्वेश्चन था, मैंने उसका रिप्लाई अभी जस्ट किया इसीलिए कहाँ गया। ये सब फीचर्स हैं, ये तो आप देख लो, स्क्रॉल हो रहे हैं तो फीचर देख लो। हाँ, डिलीवरी बाय 9 मार्च या उनको डिलीवरी बाय 8 मार्च 6 मार्च ऐसा आ रहा है। देखो, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि आपके पास फ्लिपकार्ट प्लस नहीं हो या जो भी, तो हो सकता है 1 2 दिन का डिफरेंस हो। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि हो सकता है आपके एरिया में अवेलेबिलिटी की इशू हो, और तीसरा ये है कि क्योंकि ये इतने ज़्यादा यूनिट सेल हो गए तो हो सकता है स्टॉक इन करने में, वेयर हाउस में रखने में, फिर वहाँ से सेल करने में, तो आपको ये ध्यान देना है ना कि ये एक एस्टिमेटेड टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है। बहुत बार आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ऑर्डर किया होगा तो आपको 1 2 दिन पहले मिल गया होगा, 2 दिन पहले, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो लेट मिलता है, ठीक है। तो अगर आपका बजट इतना ही था, आप बार बार मेरे बातों पर ध्यान दो, मैं बार बार बजट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बजट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के टाइम। आपको कभी भी अपना बजट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये तक कुछ देख रहे थे, 1200 तक मैक्सिमम उस रेंज में,
तो आप अभी ले लो, ज़्यादा तो क्या होगा, वो 10 दिन बाद आएगा। जैसे आज आप बिना नेक बैंड के हो, क्योंकि आप इंतज़ार करोगे एक अच्छा नेक बैंड आएगा, तो वो ले लो, वो 10 दिन बाद आ जाएगा। मान लेना कि लॉन्च 10 दिन बाद थी, वो मान लेना कि आपको सेम डे डिलीवरी मिल गई, ठीक है ना। तो आप पे, लेकिन एक बार ये मौका चला गया, जैसे मैं डीजो वायरलेस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसकी लॉन्च प्राइस जो थी वो 1200 रुपये की थी, 1200 की थी। 1200 की लॉन्च प्राइस के बाद उस समय ऑफर ऑफर मैंने लगाए, किसी तरह 50 रुपये कुछ कम हुए थे, फिर वो ये मिल गया। लेकिन इसका प्राइस ड्रॉप होने में, ये वापस अपने नॉर्मल प्राइस पे चला गया, 1399 जो इसका प्राइस था, जो कि इसका भी है, 1399 तक ये चला जाएगा। फिर जब इसका पहला प्राइस ड्रॉप आया, उस टाइम तक ये सिर्फ 1099 पे गया। मेजर इसका प्राइस ड्रॉप आया बिग बिलियन डेज सेल में, जब ये 899 का गया, जबकि बिग बिलियन डेज सेल में सब कुछ ही बहुत सस्ते हो जाते हैं। उसके बाद से फिर अभी ऊपर आ गया, 1299, 1099 उसी पे रहता है। तो ये जो आपको एक प्राइस मिल रहा है ना 999, ये अब आप मान के चलो कि ये 4-5 महीने तक इसी प्राइस पे या इससे ऊपर ही रहेगा, आपको ये वापस से आने वाला नहीं है। तो अमेजोन प्राइम डे सेल वगैरह के टाइम फ्लिपकार्ट अगर मैच करने के लिए इसको ड्रॉप करे, लेकिन तब तक आपको ये मिलने वाला नहीं है। और उस टाइम भी जब मैंने डीजो भी लिया था वायरलेस पावर नहीं, उस टाइम भी कोई भी कंपटीशन ऐप सपोर्ट नहीं देता था, IPX4 रेटिंग नहीं देता था, मैग्नेटिक ऑन ऑफ नहीं, टाइप सी पोर्ट नहीं, मीवी के ईयरफोन आप बोलोगे 799 में ही है, 799 में है, लेकिन ना उसमें ऐप सपोर्ट है, ना उसमें टाइप सी है, ना उसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ है। ये तीन चीज़ों के लिए आप 200 रुपये तो दोगे ही ना, बस उसमें बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा है। बैटरी लाइफ का क्या, आप ऐसा भी नहीं कि आप दिन में यूज़ कर जाओगे, 2 दिन में यूज़ कर जाओगे, है ना, 2 दिन में यूज़ करोगे, चार्ज में लगाओगे, उसके में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है, तो आप लगाओगे 1 घंटे में वो आपको चार्ज करके काफ़ी ज़्यादा दे देगा, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, ऑफर पे। ऑफर क्या है, ऑफर आपको आ रहा है कि ऐसे यूजुअल इसमें ऑफर्स तो हैं, उसमें आपको मिनिमम ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, 5000 तक आपको मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा, जो कि 1000 आपका पड़ ही जाएगा, बहुत महंगा हो रहा है। अगर आप किसी के साथ कुछ और ले रहे हो तो ठीक है कि आपके पास इसका किसका ऑफर है, स्लाइस, येस बैंक और IDFC का यूज़ कर सकते हो कार्ड्स। लेकिन जो मैं आपको ऑफर अभी बताऊंगा, वो ऑफर आपको वन कार्ड की तरफ से मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है ना, 15% ऑफ, 15% ऑफ, और वो मतलब पॉइंट्स के रूप में मिलेगा, लेकिन वैल्यू उसकी 15% की होगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, आज मुझे ही मिला है, और चेक करना है, ऐसा नहीं कि फिर बिना चेक किए फिर बोलना कि नहीं मिला। आपको वन कार्ड के उसमें जाना है, फिर यहाँ गिफ्ट वाला आइकन होता है, गिफ्ट वाला आइकन टच करना है, यहाँ आपके ऑफर्स टैब खुल जाएंगे, यहाँ विन एडिशनल पॉइंट्स एंड स्टैम्प्स खुलेंगे, वन एक्सक्लूसिव, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सब मिलेगा, ये ऑफर आपको सर्च करना है वन कार्ड स्पेशल करके। इसमें क्या है कि आपको मतलब यहाँ देखो, 10 पॉइंट्स 1 रुपये के बराबर होते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट 1 रुपये के बराबर होते हैं, आपको 15% मिनिमम स्पेंड ऑफ 250 पे ये सीधे सीधे कूपन मिल जाते हैं, 1500 बोनस पॉइंट 15% के हिसाब से, और 15% ये वैल्यू बैक है यानी रुपीज़ में। तो अगर आपको 150 रुपये आपका शॉपिंग मान लो 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का 15% 150, 150 मतलब 1500 पॉइंट। मैं आज का दिखा देता हूँ, मैंने जो आज शॉपिंग की है डीजो वायरलेस पावर की, उसका आप 1498 पॉइंट्स मिले हैं। 1498 पॉइंट्स क्यों मिले, क्योंकि 999 था, 999 का 15% 149 रुपीज़ होते हैं, तो 1498 पॉइंट्स मिले। वन कार्ड में आपको तो पता ही है कि फ्रैक्शनल पॉइंट्स में मिलते हैं, तो ये है, और इस तरह से 1000 माइनस 150 यानी आपको 150 रुपये में, सॉरी 850, 150 का डिस्काउंट, 850 रुपये में ये ईयरबड मिल रहा है। अगर आपके पास वन कार्ड है तो ये लॉजिक नहीं बनता है कि आप इसको छोड़ो या कुछ करो, ठीक है, अभी भी सेल पे है, जाओ देखो, अगर वन कार्ड है तो यूज़ करो, 850 रुपये में आपको ये ईयरबड्स मिल जाएंगे। और सेल डेट की चिंता मत करो कोई भी, मतलब 8th मार्च हो, 6th मार्च हो, मान लेना कि 1-2 दिन बाद ही आ रहा है ना, थोड़ा वो एस्टिमेटेड टाइम है, हो सकता है कि उनके पास जल्दी स्टॉक आ जाए तो वो जल्दी भेज दें, फिर आपको अफसोस होगा बाद में।
चलो बाय।